तो चलो सबसे पहले मुर्गियों को खोलते हैं, क्योंकि इन्होंने ना बहुत ज्यादा शोर किया हुआ यहाँ पर। ये सारी जो है ना आपस में लड़ भी रही हैं। गाइस ये जो बहन है ना, इसकी और फ्लो की ना लड़ाई होने ही वाली थी। बहुत जोर से इन्होंने एक दूसरे को गुस्सा शो करवाया है, और वो जो है ना वो उसी तरफ भाग रही है कि मैं उधर को वापस चली जाऊं। और नहीं, उधर नहीं जाना, वो बाहर आओ, बाहर आके खाना खाओ। ये है फिर आप लोगों की। तो गाइस इसको तो समझ ही नहीं आ रही है। ओह देखते हैं। तो गाइस ये देखें, ये दोनों जो स्नो और फ्लोर है ना, वो इसके साथ लड़ाई कर रहे हैं अच्छी खासी। मैंने और हमें ये स्नो और फ्लोरा दोनों ही लग रहे थे कि ये मुर्गे हैं, अब तो पता चल गया। तो गाइस यही वजह थी कि हम ना इन सबको इकट्ठा नहीं करते। ये आपस में बहुत ज्यादा लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। तो फ्लोरा और स्नो है ना, वो है भी माशाल्लाह से इतने मोटे मोटे, और इतने यानी कि उनका हाइट है वो इतनी बढ़िया, ये बेचारे छोटे से हैं। तो स्नो और फ्लोरा ने तो इनको खा ही जाना था कच्चा, बट ये भी बहुत तेज है। ये भी कोई एम ही नहीं है मुर्गा, काफी इसने इसका डट के मुकाबला किया। तो हमने दोबारा वापस से मुर्गियों को अंदर कर दिया, और ये इनको फीड अंदर डाल दो ना खाना। तो गाइस हमने चेक किया कि भाई ये स्नो और फ्लोरा ना कोको हैन के साथ बिल्कुल नहीं रह सकती, तो इनको दोबारा ना इसी केज में शिफ्ट कर देते हैं बर्ड्स के साथ, क्योंकि उस तरफ तो इनकी बहुत ज्यादा लड़ाई होती रहेगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो आज का व्लॉग हम लोग करते हैं स्टार्ट, और आज सबसे पहले मैं अपने माइंडस्टोन के बारे में बात करूंगी। तो अगले दो मिनट एक छोटी सी तकरीर है, बट वो मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो अगर आप मेरी जिंदगी की इम्पोर्टेंट स्पीच थोड़ी सी सुनना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप देख सकते हैं ये वीडियो आगे कंटिन्यू कर लें, वरना आप यहीं पर वीडियो को स्किप कर दें। थैंक यू सो मच। तो मैं एक एग्जांपल सेट करना चाहती हूँ लड़कियों के लिए जो घर पे बैठी हुई हैं, उन लड़कियों के लिए जो कुछ करना चाहती हैं मगर उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, और या उनके घर वाले इजाज़त नहीं देते। तो मेरा ये मानना है कि लड़की कुछ भी कर सकती है एक रिलीजन के अंदर रहकर। तो अगर मैं बात करूं कि लड़की अगर जंग कर सकती है तो वो कुछ भी कर सकती है। तो आपने अक्सर देखा होगा ये जो पेट रिलेटेड वीडियोज़ होती हैं या ये शौक होता है, ये ज़्यादातर यानी कि लड़कों में होता है, और वही इसको अचीव कर रहे होते हैं। बट अब देखें यानी कि ये शौक जो पेट का, ये मुझ में भी है, और मैं इसको यानी कि कर भी रही हूँ, और मेरा साथ साथ यूट्यूब का जो व्लॉगिंग का पैशन है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सही से चल रहा है। कोशिश करना इंसान के हाथ में होता है, और कामयाबी देने वाली जो ज़ात है वो अल्लाह ताला की है। आप लोग मुझे सपोर्ट करें और मेरे लिए दुआ करें कि मैं इसमें कामयाब हो जाऊँ। तो चलो अभी आगे व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। आई होप कि आपने मेरी स्पीच सुन ली होगी। तो अब चलते हैं मिनी जू के अंदर और अपने सारे बर्ड्स को देख लेते हैं कि वो क्या क्या कर रहे हैं। और ये देखिए जो कोको हैन है वो पीछे आपको मेरी तकरीर में मुसलसल बोलता हुआ नजर आ रहा होगा, तो इसकी भी जो सदा है वो सुन लेते हैं कि ये क्या कहना चाहता है हमसे। और ये देखो जरा, ये दोनों यहाँ पर बैठे हुए हैं, उठ जाओ, ये किसी के पाँव में आना है तुमने, नीचे आना है। तो गाइज ये देखिए हमारे जो कॉकटेल है वो दोनों यहाँ पर बैठे हुए हैं, दोनों जो पेयर है सारा, और हमारे सारे बजरी यहाँ पर है। इनको कौन सी खारिशें हो रही है? तो अभी हम लोग अपने जो डव को देख लेते हैं कि इन्होंने पहला अंडा दिया था, अभी देखते हैं कि इन्होंने दूसरा अंडा दिया है कि नहीं दिया। और गाइज इन्होंने दूसरा अंडा नहीं दिया, इन्होंने सिर्फ अभी तक एक अंडा दिया। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि ये कितने अंडे देती हैं और ये दूसरा अंडा कब तक देंगे, ठीक है? और अभी हम लोग देख लेते हैं अपने गुरूर और तकब्बुर की तरफ। और ये बीरो ने यहाँ पर इनको टोकरी रख दी थी, और ये देखें ये अंदर बैठ गए हैं। तो हमने बड़ी कोशिश की कि ये इसमें आके बैठे हैं, यहाँ पर अंडे दें, बट वो उन्होंने यानी कि वही स्पेस ली या वहाँ से ये उठे ही नहीं, क्योंकि ऊपर जो शेड है ना वहाँ से यानी कि इनको काफ़ी हीट मिलेगी आगे कुछ दिनों तक। तो इसलिए हम लोग चाहते थे कि ये नीचे इस केज में आ जाए, बट वो वहाँ से जगह नहीं छोड़ रहे। तो चलो ठीक है, आप लोग बैठ जाओगे यहीं, आप लोगों को जगह पसंद है तो यहीं बैठ के अंडे देना, ठीक है? तो अभी ये अंडे आई थिंक एक दो दिनों तक दे देंगे। गाइज अभी ना हम लोग अपने फिंच को देख लेते हैं कि इन्होंने अंडा दिया है कि नहीं दिया। इनको काफ़ी दिनों से केज लगा के हमने दिया था, अभी चेक करते हैं कि इनकी क्या प्रोग्रेस आई है। ये ऊपर से ही खुलेगा, हाँ
मेरे नाखून अगर बड़े होते तो खुल ही जाना था। हाँ तो गाइस इन्होंने कोई अंडा नहीं दिया वैसे। गाइस अभी मैंने चेक किया है मगर इन्होंने कोई अंडा नहीं दिया अभी तक। भला क्यों नहीं दिया आप लोगों ने अंडा है? तो गाइस ये जो सा हमारा ये इनके ज़ेब्रा क्रॉसिंग का ये जो मेल है ना ये माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा है। इसके फीतर पर ना रेड रेड कलर के डॉट्स बने हैं जो कि फीमेल पर नहीं है। तो जो मेल के ना वो बहुत ही प्यारे डॉट्स लगते हैं। वो रेड रेड जो इसके फीतर है ना वो एकदम डिफरेंट है यानी कि इसकी बॉडी से। बाकी तो सारा ज़ेब्रा क्रॉसिंग ही बना हुआ है बट इसके जो रेड वाले फीदर हैं वो माशाल्लाह बहुत ही प्यारे हैं। बजरी है ना वो इस बेल के ऊपर बैठे हैं और ये ने बेल बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये देखे दो इधर हैं एक वो उधर खड़ा है अकेला और जो लास्ट वाला है वो यहाँ से ऊपर आ रहा है। ये बहुत ही शरारती हैं सारे बजरी। अच्छा। तो गाइस ये देखिए हमारे ये कॉकटेल इधर बैठे हुए आ जाओ। ओ ये काट रहा है ये मुझे, इसको क्या हुआ है? गुस्सा क्यों कर रहे हो तुम? हैं ठीक हो तुम? अच्छा काटना नहीं है, काटना नहीं है। चलो ये लो देखती हूँ मुझे काटता है कि नहीं, नहीं, काटता। हाँ ये काट तो नहीं रहा बट काट रहा था ये, अभी नहीं काट रहा। ठीक है इजी इजी रो इजी इजी इजी। ये हुई ना बात, पोचा 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 कैसी हो तुम? हैं पोचा थोड़े से गुस्से में लग रहा है। तो गाइस ये देखें ये बजरी का ये वाला केज है, अभी इन्होंने शिफ्ट कर लिया है। ये इसके ऊपर सारे बैठे हैं। ये मैं दाने वाली प्लेट जो है ना यहाँ से ले रही हूँ क्योंकि अभी हम लोग कॉकटेल को खिलाते हैं ये दाना। तो कॉकटेल बना प्लेट में आके खाते हैं। खाओ ना पोचा। ओ पोचे का पेट फुल है आई थिंक सो। चलो बजरी को देखते हैं बजरी बला खाते हैं कि नहीं खाते मेरे हाथ में आके। तो गाइज हमारा जो वो लव बर्ड का पेयर है अब उनकी तरफ भी देख लेते हैं, काफी दिनों से मैंने उनको देखा ही नहीं। चलो मैं उनका केज चेक करती हूँ आज कि उन्होंने बॉक्स में अंडा दिया है कि नहीं दिया। तो जिसका बर्ड है ना वो बॉक्स में है, चेक करते हैं कि इन्होंने अंडा दिया है कि नहीं दिया। वो केज में तो है बट इसने अंडा कोई नहीं दिया। अच्छा वो क्यों इतना डरता है तुम बताओ ना मुझे, उसको क्या मसला है? कुछ भी नहीं कहा हमने उसको, वो क्यों इतना डरता है? उसको समझाना ठीक है, अब आएगा ना तो उसको समझाना कैसे डरते नहीं है पागल। लोग बातें करते हैं कि देखो डर गया ये तो, अरे तुम्हारी इंसल्ट होगी अब कि देखो डर के वो छुप गया उधर पीछे जाके। मेरी नाक कटवा दी तुमने है? शर्म करो तुम, शर्म करो ब्लू कलर के। केज की तरफ देख रही थी मैं, कहती वहां पर तो चूजे हैं तो मुझे रैबिट्स क्यों नहीं नजर आ रहे? बन्नो और बनी तो बन्नो और बनी यहाँ पर बैठे हैं, ये चले जाते हैं जब इनका मूड होता है अपने केज के अंदर, नहीं तो वहां पर जाके चूजे बैठ जाते हैं। कालू माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया है। तो गाइज ये देखिए हमारा जो कालू है वो माशाल्लाह से इतना बड़ा हो गया है और इस बट इसके जो पर है ना वो बहुत ही छोटे छोटे से हैं। ये क्यों नहीं इसके पर इतने बड़े यानी कि बड़े ही नहीं हो रहे हैं? आप लोग जरा बताना कि ये इसके पर कब तक बड़े होंगे। हालांकि जो हसीन है ना मुझे लगता है कि उसके जो पर है ना वो ज्यादा जल्दी इसके फीदर बड़े हो जाएंगे और कालू के बाद में होंगे। देखे हसीना भी कितनी बड़ी होगी है, इतनी सी थी, इतने इतने से थे जब ये आए थे हमारे घर में। और ये जो चूजे हैं इनका पेट नहीं फूला था खा खा के। तो गाइस चलिए बाहर चलते हैं। गाइस रमजान भी आने वाला है तो कौन कौन रमजान के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है? मैं तो बहुत ज्यादा और हमारे घर में अरु सबसे ज्यादा एक्साइटेड है। तो पिछले साल हमारे घर में ना यानी कि हमारे छोटे कजन भी रहते थे हमारे साथ, इस साल वो नहीं है। और जब वो होते थे ना तो वो और यानी कि दो कजन और अरु इनको सबसे ज्यादा यानी कि जो जिस पार्ट में मजा आता था ना वो थी अफतारी। एक अफतारी इनकी फेवरेट थी और सहरी में ये रात को कह कह के कि हमें सुबह सहरी में उठाना उठाना उठाना। तो जिस दिन हम लोग इनको सहरी में उठाते थे ना तो उस दिन इनकी शक्लें देखने वाली होती थी क्योंकि बाद में इनको फजर की नमाज भी पढ़ानी, कुरान पाक भी पढ़ाना होता था। तो यानी कि बच्चों की ये जो दो होती है ना बातें कि एक हमें सहरी में उठाना और दूसरा कि हमें अफतारी में बहुत मजा आता है। तो ये कुछ यानी कि अभी तो अरु है हमारी वो इस तरह की बातें करती रहती है बट आहिस्ता आहिस्ता वो जब बड़ी हो जाएगी तो हमारे घर में कौन ऐसी बातें करेगा।
छोटी किसी कजन को लाना पड़ेगा घर में। तो गाइज अभी छोटी सी अपडेट और है, वो अपडेट ये है कि हमारे जो मिनी केज में यानी कि तो दो मुर्गियां ना हमने अपने कजन को गिफ्ट कर दी थी, और ये देखें ये काफी चुप चुप सी हैं, सैड हैं क्योंकि ये अपने बाकी पार्टनर्स को मिस कर रही हैं। तो आज ना गाइज हमारी मुर्गी ने 5 अंडे दिए थे और एक अंडा उसमें से बहुत ज्यादा डार्क कलर का था, मम्मा को लगा शायद पुराना, बट नहीं वो आज ही का था। 5 अंडे आए आज माशाल्लाह से। तो अब इस व्लॉग को मैं यहीं पर करती हूँ एंड आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, सानिया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। और क्या पता कब किसके साथ क्या हो जाए, किसी को नहीं पता, तो अल्लाह ताला से हमेशा इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए। क्योंकि कल जैसे अचानक से अर्थ क्यूक आ गया था, किसी को भी नहीं था पता कि अर्थ क्यूक आने वाला है। तो मैं जिस टाइम अर्थ क्यूक आया ना, उस टाइम यानी कि उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं इस हालत में मर जाती इस्तग़फ़ार किए बगैर, तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे इस्तग़फ़ार करने की। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।